दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं एग्री मस्ती और आज का ये वीडियो लेक्चर बीएससी एग्रीकल्चर सेकेंड सेमेस्टर वालों का फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का है। और आज के इस वीडियो में आपको प्रीवियस ईयर का जो पेपर है, जो पिछले साल पूछे गए प्रश्न हैं, उन सभी प्रश्नों का उत्तर के साथ आपके सामने प्रस्तुत करूँगा। और दोस्तों हर बार यही होता है कि जो पिछले साल के प्रश्न होते हैं उन्हीं प्रश्नों को रिपीट किया जाता है, बहुत सारे प्रश्नों को। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक देखिएगा, क्योंकि दोस्तों जितने भी प्रश्न अगर प्रीवियस ईयर से उठाए जाएंगे तो इसी से उठाए जाएंगे, तो बहुत सारे प्रश्न फंसने की 100% गारंटी है। ठीक है, प्रश्न तो फंसेंगे ही, तो वीडियो को आप लोग स्किप किए बिना अंत तक जरूर देखिएगा। और मैं वीडियो में आगे बढ़ूँगा उससे पहले रिक्वेस्ट करूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं और इसी तरह के कंटेंट देखना चाहते हैं लगातार, तो आप हमारे चैनल एग्री मस्ती को अवश्य सब्सक्राइब करिएगा, ताकि आपको आने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उन सभी के लिए आसानी से बढ़िया वाला वीडियो लेक्चर मिल जाए, ताकि आपको परीक्षा में मदद मिले। और साथ ही साथ आपको पीडीएफ नोट्स लेना है तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर आइए, टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा आपको इस वीडियो का। ठीक है, तो दोस्तों देर किए बिना अब हम लोग चलेंगे, सभी जो प्रश्न है 60 प्रश्न उसके उत्तर को हम लोग जानेंगे। तो प्रश्नों का जो प्रश्नों का सिलसिला है वो हम लोग शुरू करते हैं। ये आप देख सकते हैं फंडामेंटल्स ऑफ प्लांट पैथोलॉजी का ये पेपर है, देख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो चलिए प्रश्नों का सिलसिला आप शुरू करते हैं। दोस्तों पहला प्रश्न है कोविड-19 रोग का प्रकार है। तो दोस्तों कोविड-19 जो रोग है वो किस प्रकार का रोग था, तो वो पैंडेमिक था। सो एक नंबर वाला प्रश्न इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी पैंडेमिक। ठीक है, कोविड-19 जो था वो पैंडेमिक रोग था। और नेक्स्ट है एक निश्चित क्षेत्र में रोग का बार बार उत्पन्न होना कहलाता है। तो दोस्तों ये क्या कहलाता है, ये आपका एंडेमिक कहलाता है। ठीक है, जो किसी क्षेत्र विशेष में एक ही क्षेत्र में कोई रोग जो है बार बार उत्पन्न होता है तो उसको एपिडेमिक कहा जाता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा पूर्ण तना परजीवी है। दोस्तों तो पूर्ण तना परजीवी यानी विच ऑफ द फॉलोइंग इज टोटल स्टेम पैरासाइट। तो ये जो तीसरा प्रश्न है, तो टोटल स्टेम पैरासाइट आपका जो होगा वह होगा कस्कूटा। ये कस्कूटा जो होता है ये आपका पूर्णतः तना परजीवी होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव बहुरूपिया है। तो दोस्तों बहुरूपिया सूक्ष्म जीव कौन सा है, तो जो आपका फाइटोप्लाज्मा है ये बहुरूपिया सूक्ष्म जीव है। ठीक है, फाइटोप्लाज्मा। और नेक्स्ट है आपका स्ट्राइगा है। तो दोस्तों स्ट्राइगा क्या है, स्ट्राइगा आपका एक अर्धजर परजीवी है। कैसा है, अर्धजर परजीवी है। ठीक है, यानी सेमी रूट पैरासाइट। और नेक्स्ट है कोशिका भित्ति नहीं पाई जाती है। तो दोस्तों कोशिका भित्ति किसमें नहीं पाई जाती है, तो कोशिका भित्ति फाइटोप्लाज्मा में नहीं पाई जाती है, और ये बहुरूपिया सूक्ष्मजीव भी कहलाता है। और नेक्स्ट है जीवाणुओं में सामान्यतः जनन होता है। तो दोस्तों जीवाणुओं में जनन जो होता है वो आपका द्विअंशी विखंडन द्वारा होता है। कैसे होता है, द्विअंशी बाइनरी फिशन द्वारा होता है। और नेक्स्ट है जीवाणुओं को दोगुनी बनाने के लिए, दोगुनी बनने के लिए समय की आवश्यकता होती है। दोस्तों तो जो बैक्टीरियाज होते हैं उनको दोगुनी बनने में यानी एक से दो बनने में कितने टाइम लगता है, तो ये जो है आपका 20 से 30 मिनट का समय में ये दोगुना हो जाता है। ठीक है, और नेक्स्ट देखते हैं आपका पादप जीवाणु विज्ञान के जनक कौन है। तो दोस्तों पादप जीवाणु विज्ञान, पादप रोग विज्ञान पढ़ रहे हैं तो इसको जानना जरूरी हो जाता है। तो पादप जीवाणु विज्ञान का जनक आपका टीजे बेरिल है। कौन है, टी जे बरिल है। ठीक है, और नेक्स्ट है आपका जीवाणु है। तो दोस्तों जीवाणु क्या है, तो जीवाणु आपका एक उपयुक्त सभी है, यानी प्रोकैरियोट्स और एक कोशिकीय और कठोर कोशिका भित्ति में ये सभी हैं जीवाणु। ठीक है, सभी जीवाणु का ही लक्षण सिम्टम्स है। नेक्स्ट है विषाणुओं में होता है। तो दोस्तों विषाणुओं में क्या होता है, तो विषाणुओं में आपका या तो आरएनए या डीएनए। ठीक है, यानी जीवाणुओं में होता है तो दोस्तों ये जो होता है आइदर आरएनए और डीएनए, या तो आरएनए अथवा डीएनए। ठीक है, और नेक्स्ट है जो 11 नंबर प्रश्न था इसका मैंने बता दिया। और आगे है 12 नंबर, इस प्रश्न का आपका पूछा गया है जीवाणु कोशिका भित्ति बनी होती है। तो दोस्तों ये किससे बनी होती है, तो ये आपका म्यूरिन से बनी होती है। ठीक है, म्यूरिन से बनी होती है। और नेक्स्ट देखते हैं जीवाणु कोशिका के सभी तरफ बहुतायत में कोशिकाएँ जुड़ी हो तो कहलाता है। तो दोस्तों ये जो जीवाणु कोशिका के सभी तरफ बहुतायत में कशाभिकाएँ जुड़ी होती है तो वो क्या कहलाती है, तो वो आपका पेरिट्राइक्स कहलाती है। क्या कहलाती है, पेरिट्राइक्स कहलाती है। और नेक्स्ट है कॉन्टिजियम वाइवाय फ्लूडम तंबाकू में मोजेक रोग का कारण है। तो दोस्तों ये किसने कहा था, ये कथन है। ठीक है, कॉन्टिजियम वाइवाय
फलूडम तंबाकू में मोजेक रोग का कारण है। तो ये बात जो है किसने कहा था, तो इस बात को आपका ये जो है बेंजेरिक नामक वैज्ञानिक जो थे इन्होंने कहा था, ठीक है, कि एक जो तंबाकू में मोजेक वायरस होता है उसका कारण होता है वो। और नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा जोरा सही सुमेलित है, तो आप जोरे को देखेंगे तो पता चलेगा, तो विषाणु और अकोशिकीय ये वाला जो है ये सही है, ठीक है। और नेक्स्ट है देखेंगे तो 16 नंबर पर इसने कवकों का वर्गीकरण किया गया है, तो दोस्तों कवकों का वर्गीकरण जो है वो आपका थैलोफाइटा के अंतर्गत किया गया है, किसके अंतर्गत, थैलोफाइटा के अंतर्गत। और नेक्स्ट है क्लोरोफिल अनुपस्थित होती है, तो दोस्तों क्लोरोफिल किस में अनुपस्थित होती है, तो क्लोरोफिल आपका कवक में अनुपस्थित होती है, ठीक है, कवकों में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा यूकैरियोटिक जीव नहीं है, तो दोस्तों यूकैरियोटिक जीव कौन सा नहीं है, तो इसमें जो है नीलहरित शैवाल है वो यूकैरियोटिक जीव नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति को प्रतिपादित किसने किया, तो दोस्तों ये जो द्विनाम पद्धति है तो बायोनेमल नोमेनक्लेचर इसका प्रतिपादन कार्ल लिनियस ने किया, किसने किया, ऑप्शन ए वाला देख लीजिए बढ़िया से, कार्ल लिनियस ने किया था, ठीक है। और नेक्स्ट देखते हैं 20 नंबर प्रश्न, पेनिसिलिन की खोज की थी, तो दोस्तों पेनिसिलिन की खोज एलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी, और कब हुआ था दोस्तों पेनिसिलिन का खोज, सन 1928 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। इन दोनों प्रश्नों को पूछा जा सकता है, यहाँ पे तो हालांकि एक ही लिखा है, पेनिसिलिन की खोज 1928 ईस्वी में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। और नेक्स्ट है द्विनाम पद्धति के लिए कौन सी भाषा आवश्यक है, तो दोस्तों द्विनाम पद्धति के लिए आपका जो लैटिन भाषा है ये आवश्यक है, ठीक है, लैटिन लैंग्वेज। और नेक्स्ट देखते हैं तंबाकू में मोजेक विषाणु का क्रिस्टलाइजेशन दिया गया था, तो इसका आपका राइट आंसर होगा स्टेनले द्वारा, यानी जो स्टेनले वैज्ञानिक का नाम है यहाँ पे, इन्होंने तंबाकू में मोजेक विषाणु का क्रिस्टलाइजेशन दिया था। और नेक्स्ट है रोगों के विकास की प्रक्रिया को कहते हैं, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, पैथोजेनेसिस कहते हैं, ठीक है, रोगों की विकास की प्रक्रिया को पैथोजेनेसिस कहते हैं। और नेक्स्ट है आंतरिक रूप से बीज जनित रोग है, तो दोस्तों आंतरिक रूप से बीज जनित रोग कौन सा है, तो आपके सामने ऑप्शन है, इसमें देखेंगे तो आपको पता चलेगा, जो गेहूं का सलत कंड होता है यानी लूज स्मट ऑफ व्हीट, ये होता है आंतरिक रूप से बीज जनित रोग। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कवकों के अलैंगिक जनन की कड़ी नहीं है, तो ये जो 25वां प्रश्न है इसमें पूछा गया है, आपको फिर से प्रश्न को समझाएं क्योंकि प्रश्न थोड़ा टफ है, निम्नलिखित में से कौन सी कवकों के लैंगिक जनन की कड़ी नहीं है, तो ये जो आपका समसूत्री विभाजन है ये आपका कवकों के लैंगिक जनन की कड़ी नहीं है। और नेक्स्ट है दो क्रियाशील केंद्रों के समागम कहलाता है, तो दोस्तों दो क्रियाशील केंद्रों की समागम क्या कहलाता है, तो ये जो है आपका एक कैरियोगैमी कहलाता है, ठीक है, कैरियोगैमी कहलाता है, यूनियन ऑफ टू फंक्शनल न्यूक्लियस इज नोन एज, तो ये होता है कैरियोगैमी। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी कवकों की मादा युग्मक होती है, तो दोस्तों कवकों की मादा युग्मक जो होती है उसको क्या कहते हैं, तो उगोनियम कहते हैं उसको, ठीक है, उगोनियम कवकों की मादा युग्मक होती है। और नेक्स्ट है 28 नंबर फाइटोफ्थोरा संबंधित है, तो दोस्तों फाइटोफ्थोरा किससे संबंधित है, तो ये आपका उमाइसिटीज से संबंधित है, किससे, उमाइसिटीज से संबंधित है। और नेक्स्ट है 29 नंबर में इंडियन फाइटोपैथोलॉजिस्ट सोसाइटी को स्थापित किया, तो दोस्तों किसने किया, तो ये बीबी मुंडकर ने किया, किसने किया, तो बीबी मुंडकर ने किया। और नेक्स्ट है प्लांट डिजीज किताब के लेखक कौन है, तो दोस्तों प्लांट डिजीज नामक जो बुक है इसके लेखक आर एस सिंह जी हैं, कौन है, आर एस सिंह हैं। और नेक्स्ट है 31 भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक कौन माने जाते हैं, तो दोस्तों ईजे बटलर जो हैं वो भारत में पादप रोग विज्ञान के जनक माने जाते हैं, ठीक है, सिर्फ इंडिया के लिए इनको फादर ऑफ प्लांट पैथोलॉजी माना जाता है, इंडिया के लिए ईजे बटलर को। नेक्स्ट है आयरलैंड महामारी का कारण था, तो दोस्तों आयरलैंड महामारी का कारण क्या था, आपको पता होगा जो है आलू के पछेती झुलसा रोग के कारण आयरलैंड में एक भयंकर अकाल पड़ गया था, ठीक है, तो उसका कारण क्या था, आलू का पछेती झुलसा रोग था। और नेक्स्ट है एक्रोपेटल चैन का निर्माण विशेष लक्षण है, तो दोस्तों जो 33 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर होगा अल्टरनेरिया का, ठीक है, यानी एक्रोपेटल चैन का निर्माण विशेषण है, विशेष लक्षण है, तो ये अल्टरनेरिया का। और नेक्स्ट है पौधों की संख्या में रोगों के होने और फैलने के अध्ययन को कहते हैं, तो दोस्तों इसको क्या कहते हैं, तो
एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? एपिडेमियोलॉजी कहते हैं। और नेक्स्ट देख लेते हैं, कवक विज्ञान के पिता कौन है? तो दोस्तों कवक विज्ञान के पिता जो हैं, ये जो 35 प्रश्न है, इसका आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, यानी P.A. मैकेली जो हैं, ये फादर ऑफ माइकोलॉजी है, ठीक है। और यहाँ पे आपको याद करने का आसान तरीका बताऊँ तो यहाँ पे माइकेली लिखा हुआ है और यहाँ पे माइकोलॉजी है, ठीक है। तो माइकेली फादर ऑफ माइकोलॉजी हैं। और नेक्स्ट है एक कोशिकीय कवक है, तो दोस्तों जो 36 नंबर प्रश्न है, 36 नंबर जो क्वेश्चन है, इसमें पूछा गया है एक कोशिकीय कवक है, तो दोस्तों एक कोशिकीय कवक कौन सा है? तो सैक्रोमाइसिस है, ठीक है। सैक्रोमाइसिस इज एन यूनिसेलुलर फंजाई, ठीक है। और नेक्स्ट है बेसी पेटल चैन पाई जाती है, तो किसमें पाई जाती है? तो जो बेसी पेटल चैन है ये आपका एल्बुगो में पाया जाता है, ठीक है। और एल्बुगो क्या होता है दोस्तों? ये जो सरसों में रोग लगता है, एल्बुगो कैंडिडा आपको पता होगा, सरसों में सफ़ेद फफोला या ब्लिस्टर ब्लाइट लगता है रोग, उसका कारण एल्बुगो कैंडिडा होता है और बेसी पेटल चैन उसी में पाया जाता है, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं तंतुओं के जाल को कहते हैं, तो तंतुओं के जाल को माइसिलियम कहते हैं। क्या कहते हैं? माइसिलियम। नेटवर्क ऑफ हाइफेब इज नोन एज, तो ये माइसिलियम होगा। और नेक्स्ट है जब नवीन कोनिडिया शिखर पर बनती है तो उसे कहते हैं, तो उसे क्या कहते हैं? उसे एक्रोपेटल चैन कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्रोपेटल चैन कहते हैं। और नेक्स्ट है कवकों में खाद्य संरक्षण का रूप है, तो कवकों में खाद्य संरक्षण का रूप जो है आपका ऑप्शन ग्लाइकोजन वाला होगा, ठीक है। कवकों में खाद्य संरक्षण का रूप क्या है? तो ग्लाइकोजन होता है, ठीक है। और नेक्स्ट है कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है, तो दोस्तों कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है वो काइटिन की बनी होती है। किसकी? काइटिन की, ठीक है। और जो 42 क्वेश्चन है, कवक एवं शैवाल के बीच में सहजीवी दल है, तो दोस्तों जो 42 नंबर प्रश्न, इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यानी लाइकेन है, ठीक है। कवक एवं शैवाल के बीच सहजीवी दल क्या है? तो लाइकेन है। और 43 नंबर प्रश्न को जाने और इसके आगे जो भी प्रश्न है उसको जाने उससे पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि दोस्तों आपके जितने भी पेपर्स होने वाले हैं, यूनिवर्सिटी से संबंधित कोई भी सवाल हो, रिजल्ट से संबंधित कोई भी सवाल हो, या फिर कोर्स से संबंधित कोई भी सवाल हो, आपको इस चैनल पर सभी का समाधान मिलता है। और पेपर में तो आपको बिल्कुल मदद किया जाता है PDF दे करके और वीडियो के माध्यम से, लेक्चर के माध्यम से। तो आप लोग प्लीज़ आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ये आपसे विशेष अनुरोध है मेरा कि आप इस वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा दोस्तों, क्योंकि बहुत मेहनत लगा करके इस वीडियो को तैयार किया जाता है और प्रश्नों को छांट छांट कर ही इसमें शामिल किया जाता है। ऐसा नहीं कि कोई फालतू का प्लांट पैथोलॉजी का कहीं से उठाया और डाल दिया ताकि आपका समय खराब हो और मुझे पैसा बने, ऐसा नहीं है। जो भी आपको यहाँ बताया जाता है वो पेपर में पूछा जाता है, ठीक है। और जो छात्र पहले से जुड़े होंगे उनको पता है, और जो छात्र नए हैं वो लोग भी जुड़ जाएँ, आप लोगों से यही अनुरोध रहेगा मेरा। और नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। और हाँ, आपको बता दें कि PDF लेने के लिए टेलीग्राम चैनल में आपको आना होगा, टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा बहुकोशिकीय जीवाणु है? तो बहुकोशिकीय जीवाणु आपका ये जो है नीलहरित शैवाल है, ठीक है। ब्लू ग्रीन एलगी यानी BGA, ये होता है आपका मल्टी सेलुलर बैक्टीरिया। और नेक्स्ट है ऐसे बीजाणु जिनमें गतिशीलता होती है वो क्या कहलाती है? तो ऐसे बीजाणु जिनमें गतिशीलता होती है वो ज़ूस्पोर कहलाता है, ज़ूस्पोर कहलाता है, ठीक है। और नेक्स्ट है एक एस्कस में कितने एस्कोस्पोर्स उत्पादित होते हैं? तो इसमें 8 एस्कोस्पोर्स उत्पादित होते हैं, कितना? 8। और नेक्स्ट है कवक के खाद्य अवशेषी अंग को कहते हैं, तो कवक के खाद्य अवशेषी अंग को चूसकांग कहते हैं। क्या कहते हैं? चूसकांग कहते हैं। नेक्स्ट है आपका पूर्ण थैलस के जननांगों में परिवर्तन को कहते हैं, तो इसको हम लोग होलोकार्पिक कहते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट है नवेदित विधि से उत्पन्न हुए बीजाणुओं को कहते हैं, तो नवेदित विधि से उत्पन्न हुए बीजाणुओं को ब्लास्टोस्पोर्स कहते हैं। और नेक्स्ट है आपका व्हाट टाइप ऑफ माइसिलियम हैव नो, यहाँ पे पूछा जा रहा है, यहाँ पे हालांकि जो ब्लर हो गया हल्का फुल्का, तो यहाँ पे पूछा जा रहा है किस प्रकार के कवक जाल में पटलमय नहीं होता? तो दोस्तों किसमें पटलमय नहीं होता? तो जो 49 नंबर प्रश्न है इसको आपको बता दें, तो ये जो होता है साइनोसिटिक माइसिलियम, इसमें क्या होता है? पटलमय नहीं होता है। और नेक्स्ट है क्लैंप कनेक्शन पाया जाता है, तो क्लैंप कनेक्शन किसमें पाया जाता है?
तो ये होता है बैसिडियो माई सिटीज़ में, ठीक है, बैसिडियो माई सिटीज़ में क्लैम्प कनेक्शन होता है। और नेक्स्ट है उमाई सिटीज़ में खाली स्थान बीजाणु उत्पादित होते हैं। तो उमाई सिटीज़ में किस प्रकार के जीवाणु उत्पादित होते हैं, तो उमाई सिटीज़ में आपका उपयुक्त सभी तरह के यानी जू स्पोर, ऊ स्पोर और स्पोंजीरिया, ये सभी जीवाणु उत्पादित होते हैं उमाई सिटीज़ में। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा कूल पेरोनोस्पोरेल्स श्रेणी में आता है, तो कौन सा यहाँ पे पूछा जा रहा है कूल, तो जो 52 नंबर प्रश्न है इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यानी जो एल्ब्यूगोनेसी और पिथिएसी और पेरोनोस्पोरेसी, ये सभी के सभी जो हैं ये पेरोनोस्पोरेल्स श्रेणी में आते हैं। और नेक्स्ट है जाइगोस्पोर सुप्त बीजाणु है, तो जाइगोस्पोर सुप्त बीजाणु आपका ऑप्शन डी यानी जाइगोमाइसिटीज का है, ठीक है, किसका, जाइगोमाइसिटीज का है जाइगोस्पोर सुप्त बीजाणु, ठीक है, नाम हल्का फुल्का मिल रहा है तो आप इस तरह से याद कर सकते हैं जाइगोस्पोर और जाइगोमाइसिटीज, ठीक है। और नेक्स्ट देख लेते हैं एकोमाइसिटीज कवक की पूर्णतः बंद फलनकाय को कहते हैं, तो जो पूर्णतः बंद फलनकाय होती है एकोमाइसिटीज कवक का, उसको क्लिस्टोथीसिया कहते हैं, क्या कहते हैं, क्लिस्टोथीसिया कहते हैं। और नेक्स्ट है सैक कवक कहलाता है, तो दोस्तों सैक कवक कौन सा कवक कहलाता है, तो सैक कवक आपका ऑप्शन ए यानी एस्कोमाइसिटीज कहलाता है, ठीक है, एस्कोमाइसिटीज कहलाता है, आप लोग देख लीजिएगा ऑप्शन ए वाला सैक कवक कौन होता है, तो एस्कोमाइसिटीज होता है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो दोस्तों कौन सा जोड़ा सही सुमेलित है, तो अब देखें जोड़ा जो है उसको देखने में पता चलेगा, तो जो ऑप्शन बी वाला है जू स्पोर और जाइगोमाइसिटी सही सुमेलित नहीं है पूछा जा रहा है यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्ट, तो ये जो है जू स्पोर और जाइगोमाइसिटी ये सही सुमेलित जोड़ा नहीं है, ये गलत लिखा हुआ है। और नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है, फिर बार पूछा जा रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड, तो ये जो 57 नंबर प्रश्न है इसका आपका हो जाएगा ऑप्शन डी यानी पिकनीडिया और जाइगोमाइसिटीज, क्या, पिकनीडिया और जाइगोमाइसिटीज। और नेक्स्ट है कंड कवक किस श्रेणी में आते हैं, तो जो कंड कवक होता है 58 नंबर है वो आपका अस्टिलेगिलेंस में आता है, किस में आता है, अस्टिलेगिनेल्स में आता है। और नेक्स्ट है अरोगोपोलिया त्यौहार संबंधित है, तो दोस्तों अरोगोपोलिया संबंध त्यौहार किससे संबंधित है, तो ये आपका जो 59 नंबर प्रश्न है इसका आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी यानी ये गेरुई रोग से संबंधित है। और नेक्स्ट पूछा गया था कि निम्नलिखित में से कौन सा रोग त्रिकोण का कारक नहीं है, तो दोस्तों रोग त्रिकोण का कारक आपका कौन सा नहीं है, तो ये जो पर्यावरण होता है रोग त्रिकोण का कारक होता है, पैथोजन भी रोग त्रिकोण का कारक होता है, पोषक भी रोग त्रिकोण का कारक होता है, लेकिन यहाँ पर पूछा जा रहा है कौन सा रोग त्रिकोण का कारक नहीं है, तो जो रोग त्रिकोण का कारक है वो स्वयं रोग नहीं है, ठीक है, इसका ऑप्शन बी वाला राइट आंसर होगा। दोस्तों ये जो 60 प्रश्नों का सिलसिला था यहीं समाप्त होता है और इस वीडियो को हम लोग यहीं समाप्त करेंगे और मिलेंगे किसी नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद जो आप लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा।